गाइस होली आ गई है तो होली में गुजिया वगैरह बनती है, तो ये हमारे यहाँ भी गुजिया बन रही है। और ये देखिए ये मावा है जिसे खोवा कहते हैं, इसे ये भुना जा रहा है। और यहाँ पर ये आटा भून रही हैं गुजिया का। हाँ आटा ही दिखा है। तो गाइस अभी देखिए गुजिया बनने जा रही हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं। गाइस अभी हमारा मावा भून रहा है और ये देखिए ये नारियल और ये आलमंड्स हैं और ये काजू, ये सब कटी हुई हैं, इन्हें भी भून लिया है घी में। तो अभी तो कल होलिका दहन है, तो आज ही गुजिया बन रही हैं। ऐसा क्यों भाभी बताइए? हमारे यहाँ होलिका दहन वाले दिन जो है कढ़ाई, तो इसलिए बस ये नीजा ने कि आज गुजिया बन रही हैं। आ गए खाने के टाइम, बस ये इनका यही है, चले गए। ये आटा भी गूंथ के रख दी इन्हें भाभी, और इन्हें आधे घंटे के लिए जपा कर रख देंगे। तो गाइस ये देखिए ये गुजिया तैयार हो रही हैं, गुजिया का शेप। और ये बाहर वहाँ पर वो बेल रही हैं भाभी, और ये बस भरना है, भर भर के यहाँ पर रखते जा रहे हैं ये बच्चे, इन्हें बहुत शौक। और ये देखिए ये हम फिर से लवलीन मार्केट आए हैं शॉपिंग करने। इससे पहले जब आए थे तो कुछ अच्छा नहीं लगा था, कुर्ती वगैरह कुछ नहीं समझ में आई थी, और इस बार लेकर भी गई थी कुर्तियाँ, हम तीनों ने ही ली है कुर्तियाँ। और देख रहे थे यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्तियाँ टॉप वगैरह थे, और भीड़ भी थी। तो ये होलिका दहन के दिन की है। ये सब वाले और गाइस ये देखिए ये हम घर वापस जा रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसे ही घूम रहे थे। ये नहीं पता। हाँ ये देखिए ये अमीनाबाद में है, और ये अमीनाबाद के नज़ीराबाद है, ये अमीनाबाद का नज़ीराबाद है ये। और ये बहुत अच्छी यहाँ पर डेकोरेशन थी होली की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि होलिका दहन के दिन ही हम गए थे, तो ये उसी दिन की ये डेकोरेशन है, और बहुत अच्छा लग रहा था, साउंड भी बज रहे थे यहाँ पर। गाइस ये देखिए ये अमीनाबाद में झांकी लगी हुई थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और ये डेकोरेशन वगैरह देखिए कितना अच्छा है,
तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।